सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। एक दंतावतारौ वेदेहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवानगः स्मृतः। भगवान गणेश का एक दंतावतार देही ब्रह्म का धारक, वह मदासुर का वध करने वाला है। उनका वाहन मूषक बताया गया है। मदासुर नामक एक बलवान पराक्रमी दैत्य था। वह महर्षि च्यवन का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य से कहा कि आप मुझे कृपा पूर्वक अपना शिष्य बना ले, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरा उचित मार्गदर्शन करें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर उसे अपना शिष्य बना लिया। सर्वज्ञ आचार्य ने उसे विधि सहित एकाक्षरी ह्रीं शक्ति मंत्र दिया। मदासुर अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर जंगल में तप करने के लिए चला गया। उसने भगवती का ध्यान करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि उसका शरीर दीमकों की बावी बन गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए और लताएं फैल गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई। माताजी ने उसे निरोग रहने तथा निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त होने का वरदान दिया। मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, फिर स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र आदि देवताओं को जीतकर वह स्वर्ग का भी शासक बन बैठा। उसने प्रमदासुरी कन्या सलसा से विवाह किया। अलग से उसका नाम एक सलसा या सलसा मान सकते। उससे उसे तीन पुत्र प्राप्त हुए। उसने शूलपाणि भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन पर चलने लगा। पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं
एवं मुनियों के दुख की सीमा न रही। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवता स्तनत कुमार के पास गए तथा उनसे उस असुर के विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान एकदंत की उपासना करें, वे संतुष्ट होकर अवश्य ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण एकदंत की उपासना करने लगे। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर मूषक वाहन भगवान एकदंत प्रकट हुए। तथा वर मांगने के लिए कहा। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभो, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति प्रदान करें। उधर देवर्षि ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एकदंत ने देवताओं को वरदान दिया है, अब वे तुम्हारा प्राण हरण करने के लिए तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। मदासुर अत्यंत कुपित होकर अपनी विशाल सेना के साथ एकदंत से युद्ध करने चल दिया। भगवान एकदंत रास्ते में ही प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा कि भगवान एकदंत सामने से चले आ रहे हैं। वह मूषक पर सवार हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयानक है। उनके हाथों में परशु पास आदि आयुध हैं। उन्होंने असुरों से कहा कि तुम अपने स्वामी से कह दो कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं से द्वेष छोड़ दे, उनका राज्य उन्हें वापस कर दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं निश्चित ही उसका वध करूंगा। महाक्रूर मदासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने धनुष बाण चढ़ाना चाहा कि भगवान एकदंत का तीव्र परशु उसे लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी टूटने पर मदासुर समझ गया कि यह सर्वसमर्थ परमात्मा ही है। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि प्रभो, आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा कि जहाँ मेरी पूजा आराधना हो
वहाँ तुम कदापि मत जाना। आज तुम पाताल में रहोगे। देवता भी प्रसन्न होकर एक दंत की स्तुति करके अपने लोग चले गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।